कांग्रेस से भाजपा में आई बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव व महासमुंद की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनीता रावटे, महासमुंद की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल और अरुणा शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। भाजपा नेत्रियों ने की प्रेस वार्ता में कहा कि जो कांग्रेस महिलाओं को 5 साल में 500 रुपए न दे सकी, वो आज बड़ी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस की घोषणाएं महिलाओं के साथ भद्दा मजाक है। कांग्रेस महिलाओं को बेवकूफ न समझे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है। 5 साल महिलाओं को केवल धोखा दिया गया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड केवल महिलाओं को छलने का रहा है। शहर की महिलाएं तो समझ ही नहीं है, बात करती हैं कि कैसे होगा, कैलकुलेट करती हैं कैसे होगा, और गांव की महिलाएं, हम गांव से आ रहे हैं, वो पूछती हैं कि जब 500 रुपये नहीं दिए भैया तो ये बाकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग को बार बार छला जा रहा है। और इसी बात के लिए हम लोग महिलाओं को, महिलाओं की बात आप तक पहुँचाने आए हैं, किस तरह हम लोगों को ना छले और हम लोगों से ये इतनी ज़्यादा यानी महिलाओं को लेवल से नीचे ना समझें कि हम लोग कुछ नहीं समझते। हम लोग सब समझ रहे हैं, ना सिर्फ हम लोग, पूरे देश की महिलाएं समझ रही, छत्तीसगढ़ की महिलाएं समझ रही हैं कि ये क्या छलबाजी बढ़ती जा रही है। और ये सचमुच निराशाजनक है। और देश जो चलता है सिर्फ बोली बातों से नहीं चलता, करके दिखाने से चलता है। और मोदी जी ने करके दिखाया। आज महिलाओं को जो सम्मान मिला है, जो राशियाँ मिली हैं, जो वादा किया गया वो पिछले 4 महीनों में आपने देखा, और वो निश्चित रूप से वादा ऐसा है जो कि पूरा किया गया। तो महिलाएं उत्साहित है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद हूँ। मैं 3 बार से जिला पंचायत की सदस्य रही हूँ, वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। और 5 साल जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उन्हें सरकार आने के पहले जो घोषणा की थी महिलाओं के सम्मान में, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई, बल्कि हमेशा धोखा हुआ, महिलाओं के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, छल हुआ। छल की बात करूं, अभी हमारे दीदी लोगों ने बताया कि जो इनने घोषणा की है अभी वर्तमान में, वो तो पूरा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार बनने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी, और इसके पहले जो 4 सिलेंडर वाली बात हुई थी, तो मैं बोलना चाहूंगी कि 4 सिलेंडर अभी तक हमारे गांव की महिलाएं खोज रही है कि वो 4 सिलेंडर के मांग से 5 साल में हमारा 20 सिलेंडर होता है, 20 सिलेंडर है कहाँ, क्राइटेरिया क्या है, ये भी कंफर्म नहीं है। जब 72,000 प्रति परिवार कहा उसको पूरा नहीं किया, तो अभी 1 लाख की बात कर रहे हैं, इसको भी कहाँ से पूरा करेंगे। कुल मिला के छल धोखा इनकी प्रवृत्ति है, धोखा और छल करना, महिलाओं के साथ, महिलाओं की सम्मान करने की बात करके महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं अरुणा शुक्ला पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। अभी वर्तमान में मेटानाडी सहकारी बैंक की अध्यक्ष हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 25 साल से मेटानाडी सहकारी बैंक महासमुंद बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि हमारे देश की 50% महिलाएं जनसंख्या महिलाओं की है, और महिलाएं अपने अधिकार के प्रति सतत जागरूक है। मगर जब भी कांग्रेस सरकार आई है, महिलाओं के अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया है। अभी जैसा कि महिलाएं बंधन योजना में 500 देने की बात कांग्रेस सरकार ने की थी। आदरणीय साथियों, हमारी सभी बहनों ने महिलाओं के साथ जो जो कांग्रेसी सरकारों ने किया उसकी बात रखी है, और एक ऑर्गेनाइज्ड छल के रूप में जो है ये अपनी पराजय जो प्रस्तावित है उससे भयभीत है, इसलिए तमाम तरह तरह की ऐसी चीजें महिलाओं के सामने डाल रहे हैं जिन्हें जो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती। इनके पास ऐसा कौन सा तर्क है जिसके आधार पर ये महिलाओं के लिए कहने वाली योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। हम उनको छोड़कर ये बात आपके सामने लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे दिल्ली में रही हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर महिलाओं के लिए जो कुछ कहा वो किया, कि पूरे देश में
पांचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का स्थान है। ये जो कांग्रेस की सरकार थी उसका अचीवमेंट था, ये वो उन्होंने किया महिलाओं के लिए, उनकी कोई योजना पूरी नहीं की। और इसी तरह से उस सरकार ने और भी बहुत सी है, महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास की बात की, मोदी जी को मालूम था कि महिला के नाम से यदि आवास होगा, मोदी जी को मालूम था कि यदि महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनेंगे, उन्हें मालूम है कि ऐसी सभी योजनाएं जिनमें महिलाओं का अधिकार रहेगा उसमें महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में मैं चाहूंगी कि हमारी बहनों